Students, we will continue our lecture regarding the extruder problems and troubleshooting in the extrusion process. In the previous lecture, we studied the four categories of the troubleshooting and the extrusion problems, in which the first one was overview of the extrusion process, especially raw material consideration, hardware configuration, processing conditions, or final product key technical qualities study. And then we studied about the process variables, जिसमें हमने पढ़ा independent variable, जो कि controlled by the operator, dependent variable that are not controlled by the operator, और responses पढ़े हमने, जिसमें क्या था physical and chemical changes due to the dependent and independent variable. So today's lecture is regarding the other two subtopics in the troubleshooting. The first one is the equipment maintenance, and the last one will be actual diagnostics and troubleshooting. So starting with the equipment maintenance, service and maintenance of equipment is necessary for smooth processing without unplanned shutdowns. So iske andar jo hai, jab hum extrusion process jo hai usko carry out karte hain, to uske andar jo uski maintenance hai aapke equipment ki, wo bahut zaruri hai, taki unnecessary ya unplanned shutdowns jo hain वो ना सकें और आपका जो एक्सट्रूजन प्रोसेस है वो इंटरप्ट ना हो सके. अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो सर्टेन टाइप्स जो हैं सर्विसेज जो हैं वो सप्लायर्स की तरफ से ऑफर होती हैं. सेल्स सर्विसेज भी हो सकती हैं एंड पोस्ट सेल सर्विसेज भी हो सकती हैं. सो मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट सप्लायर्स ऑफर द फॉलोइंग सर्विसेज. अब इसके अंदर जो फर्स्ट वन है, न्यू इक्विपमेंट साइट सुपरविजन. जब आप एक्सट्रूजन को इंस्टॉल करना चाहते हैं या आपने उसको परचेज कर लिया है, तो जो आपके सप्लायर्स हैं या आपकी कंपनी के जो डीलर्स हैं वो आपकी साइट का विजिट करेंगे, उसको जो है वो एनालाइज करेंगे कि कैसे आपका जो है वो प्लांट इंस्टॉल होगा, कौन कौन सी जो है वो उसके अंदर हमें जो है वो रिक्वायरमेंट आ सकती है और जो है वो चीज़ों की. सेकंड वन इज द न्यू इक्विपमेंट स्टार्टअप कमीशनिंग. अब जो है ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन जो है ये एक्सपर्टीज आके या फिर सप्लायर्स या जितने भी आपके वहाँ जो कंपनी की तरफ से जो सर्टिफाइड इंजीनियर्स हैं वो आके जो है वो आपका न्यू इक्विपमेंट को इंस्टॉल करेंगे और जो है वो उसको आपका एक दफा जो है वो रन करके देंगे. 24/7 एमरजेंसी कॉल इन सर्विस. तो ये जो आपके सप्लायर्स हैं ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कंपनी की तरफ से जो है वो 24/7 जो है सर्विस जो है वो प्रोवाइड करें. किसी भी किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम है आपको किसी भी पार्ट में, या अगर कुछ अनप्लान्ड किस्म का जो है वो शटडाउन्स आ रहे हैं आपके एक्सट्रूजन प्रोसेस के अंदर, तो वो कॉल के जरिए या कॉन्टेक्ट के जरिए या ईमेल के जरिए जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके. देन वी हैव द एमरजेंसी ऑन साइट सर्विसेज. सो समटाइम्स वी हैव सम सीवियर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स अकर्ड इन द एक्सट्रूजन प्रोसेस, जिसके अंदर जो है वो पूरा बैच खराब हो जाता है या जितना भी आपका प्रोसेस कंटिन्यूस हो रहा है एक्सट्रूजन का, उसके अंदर कुछ बड़ा जो है वो डैमेज आ जाता है. तो इसके अंदर जो है वो इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए सप्लायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑन साइट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करें एमरजेंसी कंडीशंस में. देन द सिस्टम ऑडिट्स. सिस्टम ऑडिट्स क्या है कि जो है सेवरल जो है वो विजिट्स के अंदर या फिर एनुअल बेसिस पे जो आपके कंपनी के जो मैनेजमेंट वाले हैं या फिर जितने भी उसमें ऑडिटर्स हैं वो आके आपके प्लांट का या आपके एक्सट्रूजन जो प्लांट है उसका विजिट करेंगे, उसके पार्ट्स चेक करेंगे, उसकी चेकलिस्ट देखेंगे कि कौन कौन से जो हैं वो इसके अंदर पार्ट्स ठीक हैं और कौन से डैमेज. अगर डैमेज आ रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास रिफर्बिशमेंट के इस तरह का जो है वो फिनोमेना आएगा, जिसमें रेनोवेशन हो सकती है या इस तरह के पार्ट्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे. देन ट्रेनिंग सेमिनार्स फॉर इक्विपमेंट ऑपरेटर्स. ये भी जो है ये सप्लायर की और कंपनी जो है वो ओरिएंटेड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रेनिंग सेमिनार्स कंडक्ट करें ताकि जो आपके ऑपरेटर्स हैं या आपके जो हैं वो प्रोसेसर्स हैं उनको जो है वो सफिशिएंट ट्रेनिंग रिक्वायर्ड हो, जो है जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनको ट्रेनिंग की वो उनको दी जाए. एंड लास्टली द स्पेशल सर्विसेज. इसके अंदर जो है वो कुछ ऑयल एनालिसिस होते हैं या उसके कुछ जो है वो फिल्टर्स हैं, स्पेशल चीज़ें हैं जिसके अंदर स्पेशल पार्ट्स जो हैं वो कंपनी से ही लाए जाएंगे और उनको ही दोबारा रिप्लेस किया जाएगा. Then we have the in-house preventive maintenance. अब in-house preventive maintenance जो है ये आपके जो
हाउसकीपिंग सुपरवाइजर्स हैं या फिर आपके क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स हैं, जो उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके पास कुछ बैकअप प्लान्स होने चाहिए, जिसके अंदर जो है वो क्या हो सकता है उसमें यूटिलाइजेशन ऑफ आउटसाइड रिसोर्सेज फॉर नॉन रूटीन सर्कमस्टांसेस। अगर आपके जो है वो कोई रिक्वायरमेंट है किसी मटेरियल की या फिर किसी पार्ट की, तो उसके रिसोर्सेज जो हैं या उसके जो बैकअप हैं आपके पास मौजूद हों, ताकि जब आपको उनकी जो है वो नीड है तब वो आपको टाइमली अवेलेबल हों तमाम चीज़ें। सेकंड, वी हैव द यूज ऑफ टॉप क्वालिटी रिप्लेसमेंट पार्ट्स। अगर आपके पार्ट्स डैमेज हैं या उसके अंदर रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड है, तो आप जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है या जितना भी मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी पार्ट्स हों वो ओरिजिनल उसी कंपनी से परचेज किए जाएं, ताकि आपके एक्सट्रूजन प्रोसेस में या आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। देन वी हैव द चेकलिस्ट रिकॉर्ड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल पर्सनल। अब इसके अंदर भी जो है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हैसअप प्लान या फिर जो है वो ISO स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है वो प्रोग्राम्स डिवेलप किए जाएं, जिसके अंदर चेकलिस्ट अवेलेबल हो, रिकॉर्ड कीपिंग हो, और इस तरह की तमाम जितने भी आपके पास जो हिस्ट्री है आपके तमाम प्रोडक्ट्स की और आपके बैचेस की वो मौजूद हो। पार्ट्स रीऑर्डर सिस्टम, तो आपके पास जो है वो प्रॉपर कैटलॉग्स मौजूद हों, आपके पास मैनुअल्स मौजूद हों जिसके अंदर हर पार्ट का नंबर मौजूद हो, जब आपने कोई पार्ट रिप्लेस करना है तो आपने कंपनी से उसको मंगवाना है तो आपको पता हो कि उस पार्ट का नंबर क्या है या उसकी प्राइस क्या है। एंड लास्टली द एडहेरेंस टू सेफ प्रैक्टिसेस, तो कि जितना भी आपका एक्सट्रूजन प्रोसेस हो रहा है ये सेफ प्रोसेस या फिर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जो है ये कैरी आउट होना चाहिए। सो नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज ट्रबल शूट एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स फॉर ईच ऑफ द पोर्शन इन द एक्सट्रूजन सेपरेटली। इसके अंदर जो है वो सबसे पहले हम इसको जो आपका फीडिंग सिस्टम है या आपका लाइव बिन है हम उसको जो है वो स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर जो है वो असिस्टेंस इज अवेलेबल फ्रॉम द वेंडर्स रिगार्डिंग देयर स्पेसिफिक इक्विपमेंट डिजाइन, हाउएवर द फॉलोइंग इज अ जेनेरिक चेकलिस्ट। अब इसमें हम चेकलिस्ट देखेंगे कि आपके हर पार्ट के लिए जो है वो कौन कौन सी जो है वो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज द एक्सट्रूडर लाइव बिन। अब इसके अंदर जो आपका लाइव बिन है या फिर जो आपका जिसमें स्टॉक जो है वो स्टोर होता है, सर्ज बिन हो जाए इस तरह के, या फीडर हो गया आपका प्री कंडीशनर, तो इसके लिए कैसे आपकी जो क्लीनिंग है वो रिक्वायर्ड है। जो आपका लाइव बिन है या जो उसका जो एयर वेंटिंग सिस्टम जो है जितना भी, उसको मंथली बेसिस पे आपने क्लीन करना है। एंड देन द सर्ज बिन विल ऑल्सो बी क्लीन ऑन मंथली बेसिस। लेकिन जो आपका फीडर और प्री कंडीशनर है उसको वीकली जो है वो क्लीन करवाया जाएगा। और इसकी चेकलिस्ट के अंदर जो रोटेशन ऑफ इक्विपमेंट है वो डेली बेसिस पे चेक होगी, एंड जो कैलिब्रेशन है या मीटरिंग डिवाइसेस जितनी भी हैं उसकी वो मंथली बेसिस पे चेक होगी। देन वी हैव द प्री कंडीशनर मेंटेनेंस। प्री कंडीशनर का आपको पता है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि इट मिक्सिस एंड हाइड्रेट्स द मटेरियल बिफोर द एक्सट्रूजन। अब इसकी चेकलिस्ट में क्या होगा, इसका जो वेंटिंग सिस्टम है, जो इसका शाफ्ट रोटेशन और जिसकी ऑयल लेवल है इसका, वो डेली बेसिस पे जो है वो चेक किया जाएगा। फिर इसकी जो बीटर की ओरिएंटेशन है या इसकी जो ड्राइव शाफ्ट कपलिंग है वो एनुअल बेसिस पे जो है वो उसको मॉनिटर किया जाएगा। और इसकी जो कैलिब्रेशन है या इसके अंदर जितना भी फ्लो हो रहा है लिक्विड का एंड स्टीम प्लम्पिंग, जितने भी पाइप्स इन्वॉल्व हैं इसके हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म में, उसको आप बाई एनुअल बेसिस पे जो है वो चेक करवा सकते हैं। देन वी हैव द ओवरऑल एक्सट्रूडर, जिसके अंदर आपका पूरा बैरल आ जाता है। वी हैव द स्क्रूज, वी हैव द डाइज एंड द कटर्स। अब इसके अंदर जो है वो कैसे इसकी मेंटेनेंस की जाएगी, कौन कौन सी जो है वो इसकी इसके पैरामीटर्स आते हैं इसकी चेकलिस्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल द असेंबली ऑफ द एक्सट्रूडर और द एडजस्टमेंट ऑफ द बियरिंग, तो इसको जो है वो हम बाई एनुअल बेसिस पे चेक करेंगे। शाफ्ट अलाइनमेंट, द बेल्ट टेंशन एंड द असेंबली ऑफ द बैरल कॉम्पोनेंट्स, दिस थ्री वी विल चेक ऑन मंथली बेसिस। जो शीव इंस्टॉलेशन है वो लाइक जो पुली लाइक मटीरियल है उसको जो है वो हम उसको एनुअल बेसिस पे चेक करेंगे। वियर ऑफ बैरल कॉम्पोनेंट्स, जो आपके बैरल के अंदर कुछ डैमेज आया हुआ है या किसी किस्म की उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम है, उसको जो है अगर आपने क्रिटिकली जो है वो मॉनिटर करना है तो वो हम बाई एनुअल बेसिस पे करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाई एंड द नाइफ असेंबली वियर एंड एडजस्टमेंट विल बी चेक्ड ऑन डेली बेसिस, ताकि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बिल्कुल आपको एफिशिएंट जो है वो
फॉर्म के अंदर जो है वो आपको मिले। द कैलिब्रेशन एंड फ्लो ऑफ ऑल लिक्विड एंड स्टीम प्लम्बिंग जो है ये भी हम इसके जितने भी इसमें पाइप्स की इन्वॉल्वमेंट्स है या इसके टैंक्स हैं जिसमें हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म हो रहा है उनकी कैलिब्रेशन, उसमें लिक्विड का फ्लो, ये भी हम इसको बाई एनुअल बेसिस पे चेक करेंगे। देन अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम इज द लुब्रिकेशन प्रोग्राम्स। लुब्रिकेशन का आपको पता है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका फिनोमिना एक्सट्रूजन के अंदर। तो जनरल गाइडलाइंस फॉर लुब्रिकेशन फ्रीक्वेंसी एंड इंस्पेक्शंस आर, अब इसके अंदर जो आइटम्स दैट रोटेट्स एट स्पीड लेस देन 500 आरपीएम शुड बी लुब्रिकेटेड मंथली, और ऐसे आइटम्स जिनकी स्पीड 500 आरपीएम से ज्यादा हो जाए उनको हम वीकली बेसिस के ऊपर जो है वो लुब्रिकेट करेंगे। देन वी हैव सम गियर बॉक्सेस या आपके जो मोटर के अंदर जितनी भी जो अरेंजमेंट है, इंस्टॉलेशन है, उसके अंदर ऑयल चेंज हो सकते हैं, फिल्टर्स की रिप्लेसमेंट्स हैं, वो हम हर 10,000 घंटे के बाद जो है वो उसको ऑब्जर्व करेंगे। सो आफ्टर दिस इक्विपमेंट मेंटेनेंस द लास्ट कैटेगरी वाज द एक्चुअल डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रबल शूटिंग। तो एक्चुअल डायग्नोस्टिक्स के अंदर जो है वो हम इसको रियल बेसिस के ऊपर देखेंगे कि हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ड्यूरिंग एक्सट्रूजन, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। टू सिंप्लीफाई द ट्रबल शूटिंग अप्रोच द मोस्ट कॉमन चैलेंजेस फेसिंग द एक्सट्रूडर ऑपरेटर आर लिस्टेड इन द आउटलाइन फ्रॉम द सजेस्टेड करेक्टिव एक्शंस एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस। अब इसमें जो फर्स्ट वन है अचीविंग डिजायर्ड फाइनल प्रोडक्ट बल्क डेंसिटी। अब आपको पता है कि बल्क डेंसिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है आपके मटेरियल का, आपके प्रोडक्ट का। तो ये अगर इसके अंदर आपको जो है वो किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको जो है वो एक अप्रोप्रिएट जो है वो बल्क डेंसिटी अचीव नहीं हो रही, तो उसको हम किस तरह जो है वो डील करते हैं। द बल्क डेंसिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट एज इट इज एन इंडिकेशन ऑफ प्रॉपर प्रोसेसिंग एंड ऑल्सो डिटरमाइंस बैग फिल प्रॉपर्टीज। अब इसके अंदर जो दो जो है वो मेथड्स हैं, द फर्स्ट वन इज द इंक्रीज थर्मल एनर्जी इनपुट्स एंड इंक्रीज मैकेनिकल एनर्जी इनपुट्स। तो बल्क डेंसिटी अगर आपकी प्रॉपर नहीं अचीव हो रही तो हम उसकी थर्मल और मैकेनिकल एनर्जी इनपुट्स को इंक्रीज कर देंगे। नाउ हाउ वी विल इंक्रीज द थर्मल एनर्जी इनपुट्स, बाय इंक्रीजिंग द प्रोसेस स्टीम एडिशन और बाय एडजस्टिंग द प्रोसेस वाटर एडिशन और द प्रोसेस वाटर टेम्परेचर। एंड लास्टली अगर हम जो आपका रिटेंशन टाइम आपके मटेरियल का जो है वो प्री कंडीशनर में इंक्रीज कर दें तो इससे भी आपकी थर्मल एनर्जी इनपुट्स इंक्रीज हो जाएंगी। एंड मैकेनिकल एनर्जी इनपुट्स कैसे इंक्रीज हो जाएंगी, अगर आप एक्सट्रूडर की स्पीड को इंक्रीज कर दें या आप उसमें इम्पार्ट मोर शियर या फिर जो आपकी ड्राई रेसिपी रेट है उसको हम डिक्रीज कर दें। तो इन कुछ मेथड से जो है वो आपके प्रोडक्ट की जो है वो बल्क डेंसिटी जो है वो प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगी। Second one is the eliminate or reducing extruder's instability. Sometimes in the extrusion process, we have this problem we call surging. या आपके extruder जो है वो उसमें एक instability आ जाती है। अब इसमें क्या क्या आपके reasons हैं, ये क्यों आती है? The most common causes of surging are listed. जिसके अंदर first one जो है, check the wear on the extruder barrel component. जो आपका barrel है extruder के अंदर, उसके अंदर जो है वो हम उसमें चेक करेंगे कि किसी किस्म का कोई डैमेज पोर्शन जो है वो ना हो, या आपके जो स्क्रू और बैरल की जो अरेंजमेंट है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। देन द नॉन यूनिफॉर्म डिलीवरी ऑफ ड्राई रेसिपी, अगर आपका जो फीडिंग सिस्टम है वो प्रॉपर डिलीवर नहीं कर रहा मटीरियल आपके एक्सट्रूडर को तो फिर भी आपके एक्सट्रूडर में एक इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। थर्ड वन इज द एक्सट्रूडर बैरल टेम्परेचर इज टू हाई, आपका जो टेम्परेचर बैरल का है वो बहुत ज्यादा है तो उसके अंदर भी हम देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो आपके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, आपके थर्मोकपल्स हैं या फिर आपके जो मॉइस्चर कंटेंट है या आपके जो थर्मल एनर्जी इनपुट्स हैं उनको हम कंसीडर करेंगे। तो फोर्थ वन इज द एरिया, ओपन एरिया ऑफ द डाई, अगर वो बहुत ज्यादा है तो फिर भी आपके एक्सट्रूडर के अंदर इंस्टेबिलिटी आएगी। तो ये जितनी भी कंडीशन हैं ये ऑप्टिमम होनी चाहिए। The last one is the extruder steam injection into recipe is too high. तो जो steam injection है जो है वो हम करवा रहे हैं अपने material के अंदर या recipe के अंदर, अगर वो भी बहुत ज़्यादा आ जाए और आपके product जो है उसका moisture content बहुत ज़्यादा हो जाए, इससे भी आपके extruder में एक instability आ जाती है। Third problem is the dark or light colored strips on regions on product.
इसको अगर आप, ये क्यों आता है, दिस कलर वेरिएशन इज यूजली द रिजल्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कुक, या फिर जो आपके मॉइस्चर आपके जो है वो प्रोडक्ट का या मटेरियल का उसके अंदर कुछ जो है वो फ्लक्चुएशन हो रही हैं, तो ये प्रॉब्लम तब आएगी। इसको आप खत्म कैसे करेंगे, इंक्रीज द स्टीम और वाटर फ्लो रेट्स ऑफ द प्री कंडीशनर, या फिर इम्प्रूव द मिक्सिंग इन द एक्सट्रूडर बैरल बाई यूजिंग अ मोर अग्रेसिव कॉन्फिग्रेशन। आप इसमें प्री कंडीशनर की भी इंस्टॉलेशन जो है वो एडिशनल कर सकते हैं, या फिर स्क्रू प्रोफाइल दैट इम्पार्ट्स मोर शीयर, ऐसा स्क्रू हम यूज करें जो कि आपको ज्यादा शीयर प्रोवाइड करे हमारे मटेरियल में। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द रफ सरफेस ऑन फाइनल प्रोडक्ट। समटाइम्स जो है वो हमारे जो एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट है उसकी जो फाइनल फॉर्म हमारे पास आती है, शेप है, वो बहुत एक रफ फॉर्म में होती है। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे डील करेंगे, रिड्यूस एक्सट्रूडर बैरल टेम्परेचर्स बाय कूलिंग जैकेट्स एंड रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी इनपुट्स, या फिर इंक्रीज द एक्सट्रूजन मॉइस्चर, यूटिलाइज डाई मटीरियल दैट रिड्यूस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और रिड्यूस द पार्टिकल साइज ऑफ रॉ मटीरियल रॉ रेसिपी। तो इन तमाम जो है वो हम पैरामीटर्स को फॉलो करके अपनी जो रफ सरफेस है हमारे मटेरियल की उसको हम ठीक कर सकेंगे। नेक्स्ट वन इज द इम्प्रॉपर कटिंग ऑफ प्रोडक्ट एट डाई। अगर जो आपके डाई और आपका जो कटर है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, या वो इम्प्रॉपर कटिंग परफॉर्म हो रही है वहां, तो ये कैसे डील होगी और ये इसके कौन कौन से जो हैं वो कॉजेज हैं। द मेजर कॉजेज ऑफ अ पुअर कट आर नाइफ ब्लेड्स आर डल और डैमेज्ड, द नाइफ ब्लेड्स आर नॉट सेट क्लोज टू द डाई सरफेस। अगर जो आपका ब्लेड है नाइफ ब्लेड उसके अंदर कुछ डैमेज जो है वो पोर्शन है, या फिर जो उसकी जो अरेंजमेंट है आपके डाई के साथ वो बहुत क्लोज नहीं है, तो फिर भी वो आपका मटीरियल जो है वो प्रॉपर कट नहीं करेगा। डाई ओपनिंग इज वॉर्न और द नाइफ ब्लेड्स आर नॉट पैरेलल विद द डाई फेस, जो आपके डाई की ओपनिंग है वहां जो है वो कुछ डैमेज पोर्शन है, या फिर जो आपके एक खास एंगल में जो आपके ब्लेड्स हैं उनकी जो है वो अरेंजमेंट नहीं है, तो इन तमाम जो है वो फैक्टर्स की वजह से आपका जो प्रोडक्ट है उसमें प्रॉपर कटिंग अचीव नहीं होगी। सो द लास्ट वन इज द वेज्ड प्रोडक्ट्स। अब समटाइम्स जो है वो हमारे पास एक क्रश्ड फॉर्म में या स्क्वीज फॉर्म में प्रोडक्ट आ जाता है, प्रोडक्ट शेप कैन बिकम डिस्टॉर्टेड फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस एंड दीज आर लिस्टेड बिलो। इसमें जो है वो सबसे पहले जो रीजन है, एक्सट्रूजन मॉइस्चर टू लो, जिसके अंदर प्रोडक्ट विल फेस फ्रैक्चर इजिली। दूसरा रीजन क्या है, एक्सट्रूजन मॉइस्चर टू हाई, सो इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट इज सो सॉफ्ट एंड टेंडर दैट इट इज इजिली डिस्टॉर्टेड। या फिर एक और रीजन है, जो स्लो नाइफ स्पीड कॉजेज वेजिंग एट द नाइफ ब्लेड्स। तो आपका जो है तीन ये रीजंस हैं जिसके अंदर आपका जो एक्सट्रूजन मॉइस्चर है अगर वो बहुत कम हो जाए तो आपका प्रोडक्ट जो है वो डैमेज हो जाएगा, उसमें फ्रैक्चर जो है वो एक देखने को मिलेगा। अगर आपका मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर भी आपका प्रोडक्ट जो है वो उसके अंदर जो है वो सॉफ्टनेस बहुत ज्यादा आ जाएगी और उसके अंदर वेज्ड फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। या फिर आपका प्रोडक्ट ठीक है लेकिन आपके जो नाइफ की स्पीड है वो बहुत स्लो है, जो प्रॉपर कटिंग जो है वो आपके मटेरियल की नहीं कर रही, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट में डैमेज जो है वो पोर्शन आ रहा है। यस, दैट्स ऑल। सो इन टुडेज लेक्चर वी स्टडीड द नेक्स्ट टू कैटेगरीज इन द एक्सट्रूजन प्रॉब्लम, जिसमें हमने इक्विपमेंट मेंटेनेंस के बारे में पढ़ा आज, और जो एक्चुअल डायग्नोस्टिक्स और ट्रबल शूटिंग है उसके बारे में पढ़ा। इक्विपमेंट मेंटेनेंस में हमने पढ़ा कि जो आपका सप्लायर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, कि वो जो है वो ड्यूरिंग सेल और आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो कौन कौन सी प्रोवाइड करेगा। उसमें हमने देखा कि वो आपको 24/7 जो है वो एमरजेंसी सर्विसेज भी दे, आपके जो हैं वो सिस्टम के ऑडिट्स हों सेवरल बेसिस के ऊपर, फिर आपके जो पार्ट्स डैमेज हैं उसको रिफर्बिश जो है वो करवाया जाए, मुख्तलिफ सेमिनार्स अरेंज करवाने जाएं आपके ऑपरेटर्स के लिए ताकि वो एफिशिएंटली एक्सट्रूजन प्रोसेस को जो है वो कैरी आउट करें।
फिर हमने पढ़ा कि जो इन हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट है या फिर आपके जो क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर या मैनेजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसके अंदर सबसे पहले तो आपके पास एक बैकअप प्लान हो, आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हो किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो डील करने के लिए, चेकलिस्ट मौजूद हो, रिकॉर्ड कीपिंग हो, हैसअप प्लान्स को जो है वो फॉलोअप किया जाए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलोअप किया जाए, जो आपने आपके पास कैटलॉग्स मौजूद हो, आपके पास मैनुअल्स मौजूद हो, हर पार्ट का नंबर हो जो आपने रीऑर्डर करने हैं। फिर हमने देखा कि हर पार्ट को हमने सेपरेटली देखा कि उसके अंदर जो है वो कौन कौन सी चेकलिस्ट रिक्वायर्ड हैं, कैसे कैसे आप उनकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व या ट्रबल शूटिंग आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। जो आपका लाइव बिन है या आपके फीडर प्री कंडीशनर्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा कि उनको कैसे मंथली और वीकली बेसिस पे क्लीन करवाया जाएगा। प्री कंडीशनर में हमने देखा कि डेली बेसिस पे जो है वो कौन कौन से पार्ट्स को जो है वो चेक किया जाएगा और एनुअल बेसिस पे कौन कौन से पार्ट को चेक किया जाएगा। ओवरऑल एक्सट्रूडर के बारे में हमने पढ़ा कि जो आपका शाफ्ट और आपकी बेल्ट है, बेल्ट की टेंशन या फिर आपकी असेंबली ऑफ बैरल है, ये मंथली बेसिस पे इनको चेक करवाया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका डाई और नाइफ है इसकी असेंबली और जितनी भी उसकी मॉनिटरिंग है वो डेली बेसिस पर होगी। लुब्रिकेशन प्रोग्राम में हमने पढ़ा कि जिन आइटम्स जो हैं उनकी स्पीड 500 आरपीएम से कम है वो मंथली बेसिस पे लुब्रिकेट होंगे। जिन आपके पार्ट्स की लुब्रिकेशन स्पीड 500 आरपीएम से ज़्यादा है वो वीकली बेसिस पे लुब्रिकेट होंगे। जो गियर बॉक्सेस हैं और जितने भी आपके ऑयल चेंजेस हैं, फिल्टर्स हैं, वो एवरी 10,000 आवर्स जो हैं वो उनको चेक किया जाएगा या सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाएंगी। फिर हमने एक्चुअल डायग्नोसिस में देखा कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक्सट्रूजन प्रोसेस में आ सकती हैं और कैसे आप जो हैं वो उनको करेक्टिव एक्शंस लेके जो हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट की फाइनल बल्क डेंसिटी जो है वो प्रॉपर नहीं आ रही तो आप कैसे उसको अचीव करेंगे, जो उसकी थर्मल एनर्जी इनपुट्स है और मैकेनिकल एनर्जी इनपुट्स हैं इनको इंक्रीज कर देंगे। फिर हमने देखा कि अगर आपके एक्सट्रूडर में इंस्टेबिलिटी आ रही है तो वो आप कैसे जो है वो चेक करेंगे, अगर आपके बैरल में कोई प्रॉब्लम है या जो आपकी ड्राई रेसिपी है इसके अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम है, आपके जो डाई की ओपनिंग है अगर वो बहुत ज्यादा है या फिर जो आपके स्टीम इंजेक्शन सिस्टम के अंदर जो है वो आपकी ज्यादा जो है वो उसमें स्टीम प्रोवाइड की जा रही है। फिर हमने देखा कि अगर आपका डार्क और लाइट कलर स्ट्रिप्स आ रही हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर तो ये नॉन यूनिफॉर्म कुकिंग की वजह से आती है, इसमें आप स्टीम की इंजेक्शन ज्यादा कर सकते हैं या जो है मिक्सिंग को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट में रफ सरफेस आ रहा है तो वो हम कैसे करेंगे, जो आपका बैरल का टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस करेंगे, उसके मॉइस्चर को इंक्रीज कर देंगे या डाई का जो मटीरियल है उसको चेंज कर लेंगे, प्रोडक्ट के पार्टिकल साइज को कम कर लेंगे। प्रॉपर कटिंग अगर अचीव नहीं हो रही तो हम डाई जो हमारा सॉरी जो नाइफ है और डाई के जो एंगल है या जो उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो देखेंगे कि वो पैरेलल है, वो खास जो है वो एंगल के साथ इंस्टॉल है या फिर जो उसकी जो नाइफ ब्लेड्स में किसी किस्म का कुछ डैमेज पोर्शन तो नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो वेज्ड फॉर्म में आ रहे हैं या प्रॉपर शेव उसकी जो है वो अचीव नहीं हो रही, स्क्वीज फॉर्म के अंदर हैं, तो फिर हम जो है वो देखेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम है। आपका मॉइस्चर अगर बहुत कम है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत ज़्यादा हो तो फिर भी आ सकती है, या फिर आपके जो नाइफ की स्पीड बहुत कम हो उससे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है।